व्यभिचार के मामले में महिलाओं को अधिकार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब महिलाएं भी विरोध करने लगी हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए इस फैसले से समाज में अपराध बढ़ने की बात कही है। चरखी दादरी पहुंची किरण चौधरी ने कहा कि ऐसे फैसलों को समाज मान्यता नहीं देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। तो ये आप देख ही रहे हैं कि तीसरी मंजिल पे खड़े होके जो हालात, जो मंजर सामने नजर आ रहा है, इससे ज्यादा तो दुख की बात नहीं हो सकती किसान के लिए जो अपने दो फसल का पैसे खाता है और उसकी एक फसल इस तरह से नष्ट हो जाए और उसको मुआवजा भी ना मिले, तो फिर उसके पास रह क्या गया। प्रशासन जो है वो बिल्कुल ही ठंडा बैठा हुआ है। अब जो है मैं आई हूँ तो अब जाके जो है कल गिरदावरी शुरू होगी। आज मैंने कहा है कि स्पेशल गिरदावरी जो है वो इनकी होनी चाहिए और मुआवजा जो किसान भाई जो हैं उनको 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। किसी ने मेरे से पूछा क्यों, तो मैंने ये बताया इसलिए क्योंकि ये एक फसल का मुआवजा है, अगली फसल भी जो है इनकी वो भी ये फसल लगाने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि अगली फसल तक ये सूखने वाला ही नहीं है पानी, तो किसान को जो है दोहरी मार पड़ रही है। तो प्रशासन को जो है तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नंबर एक। जो वो उन्होंने आज अभी मैंने बात करी है वो करेंगे, शुरू करेंगे। दूसरी बात, जो मुआवजा देना चाहिए किसान भाई को कि उसकी फसल की जो बर्बादी हो गई है वो उनको स्पेशल गिरदावरी के तहत उनको मुआवजा सरकार दे, क्योंकि इस तरह से बर्बादी अगर किसान की होती रही तो ये सरकार ये सोच ले इनके दिन जो हैं वो अब ये अपने दिन इनके लदने वाले। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।